Hey guys, welcome to the channel. आज अतत का बर्थडे है एंड हम उज्जैन पहुंच चुके हैं. उसके बाद हम अभी जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने और अथर्व को दर्शन कराने के लिए. तो पूरे लोग आ चुके हैं. शाम को बर्थडे पार्टी होगी और हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे देंगे. आने वाले ब्लॉग्स में पूरी की पूरी अथर्व के बर्थडे की डिटेल्स बता दी जाएगी. तब तक के लिए वेट करिए और देखते रहिए. थैंक यू. ये अभी हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि महाकाल के लिए जाने के लिए तैयार. और ये हमारी लोकल सवारी में हम लोग बैठ गए हैं. हमारी टाटा सवारी. ये टाटा की हमारी टाटा सफारी है एक तरीके से. BMW कह लो या रेंज रोवर कह लो. और अब हम लोग जा रहे हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने. तो ये है हमारे रुद्र के मामा जी और मैं रुद्र की मम्मी. ये रुद्र की चाची. ये रुद्र की बुआ. ये मौसी ऊपर बैठ रहा है. ये रुद्र के चाचू. ये मामी जी. ये चाचा जी. वो सब चाचा जी. इना इना रुद्र भाभी रात हो जाए सब. और रुद्र अनु सरक. और अब हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने. आगे की अपडेट आपको महाकाल पहुंच के देते हैं. चलो भैया. हाय गाइस. आज मेरे बेटे का बर्थडे है. आज मेरा बेटा पूरा 2 साल का हो गया है. तो जब रुद्र का पहला बर्थडे थे तो हमने पार्टी का सोचा था. कोटा में सब बुकिंग हो गई थी बट हम बर्थडे मना नहीं पाए थे क्योंकि सेकंड लॉकडाउन आ गया था. फिर हमने सोचा कि अब सेकंड बर्थडे पे कुछ करना चाहिए. तो सेकंड बर्थडे पे हम महाकाल आए हैं उज्जैन. हाँ, तो उज्जैन में हम महाकाल के आए. महाकाल की हम रुद्र के हाथ से अभिषेक करवाएंगे. और अभिषेक में मैं आपको बता दूं, अगर आप भी उज्जैन आना चाहते हो और आपको अभिषेक करवाना है तो लड़की को साड़ी पहनना है, भले वो शादीशुदा हो या कुंवारी हो, और जेंट्स को धोती और कुर्ता. तो आप बाहर 1500 रुपये में अभिषेक हो रहा है उसमें ओनली आपको सिर्फ जल चढ़ाने देंगे. और अगर आपको अंदर पूरा प्रॉपर अभिषेक करवाना है तो आपको अंदर जाके पंडित से बात करनी पड़ेगी. हाँ हाँ, तो पंडित से आपको बात करनी पड़ेगी. तो पंडित जी आपको बता देंगे क्या है क्या नहीं है. इसके अलावा देखो अभी ये पूरा महाकाल का मंदिर पूरा टूट रहा है और पूरा नया बन रहा है. ये देखिए आप, सब जगह काम चल रहा है. धूप बहुत है. छाया की अच्छी व्यवस्था की गई है. पैर आपके नहीं जलेंगे क्योंकि ऊपर छाया है. ये देखो कितना सुंदर मंदिर बन रहा है. पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा मंदिर बनेगा है महाकाल के. अगर आप नहीं आए हो तो आप एक बार आके दर्शन जरूर करिएगा महाकाल के. जय श्री महाकाल. जय श्री महाकाल. ये देखो मेरा बेटा, इसने भी कुर्ता पहना है, पजामा पहना है. इसके पापा ने कुर्ता पहना है. धोती हम अंदर से लेंगे. ठीक है, अभी हम अंदर जा रहे हैं और दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे. तो हम आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. जो भी अगर ज़रूरी है तो हम आपको बता देंगे क्या चीज़ चाहिए होगी. ये तो अंदर जाओ फिर आपको परेशानी हो तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे. ये रुद्र के चाचा आ रहे, चाची आ रहे. ये देखो ये रुद्र के चाचा चाची दादा दादी सब लोग आ रहे हैं. सब दर्शन करने जा रहे हैं. आप भी आइएगा. आप सब भी आइए. मेरा भाई है. से हाय रुद्र. हाय करो. हाय. ये हम मंदिर के अंदर एंट्री हो गए. ये देखिए आप, ये थोड़ा सा नए तरीके से बनाया गया है. हम यहाँ से जानेंगे. पहले नहीं था ऐसा. पहले हम उधर से आए थे. इस बार हम नए रास्ते से आए. हाँ, ये पीछे मेरी पूरी फैमिली आ रही है. मेरे सासू माँ ब्लैक चुन्नी में आपको दिख रही होगी. ब्लैक मास्क मैचिंग का मास्क. उसको सब तो मैचिंग चाहिए. सूट के साथ की लिपस्टिक मैचिंग चाहिए. चटक वैसे मैचिंग का मैंने भी करा. रेड लिपस्टिक रेड साड़ी एवरीथिंग मैच. सब कुछ मैचिंग. आपसे एक बात कहना चाहती हूँ. जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें. चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले आपको करना है. ठीक है, ये लो महाकाल. ये देखिए पूरे महाकाल का
स्टाफ यहाँ बैठा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप उनसे पूछ सकते हैं। आज देखो भीड़ बिल्कुल नहीं है, पहले हम लोग उधर से एंट्री होते थे और पूरा हमको घूम के आना पड़ता था, बट अभी सब कुछ टूट रहा है ना, तो अभी है ना इधर से हमको एंट्री दे दिया है। क्या अभी हम शॉर्टकट तरीके से जा रहे हैं और हमको बहुत जल्दी दर्शन होने वाले, अदरवाइज और टाइम हमको 1 से 2 घंटे लग जाते थे। ये देखिए ये महाकाल के जाने का रास्ता है, ओनली सिर्फ 2 से 5 मिनट में आप अंदर पहुंच जाओगे। ये देखिए पूरा खाली पड़ा है। हाँ, अगर आप संडे को आ रहे हो तो आपको बहुत भीड़ मिलेगी, और आप मंडे को आओगे तो भी आपको बहुत भीड़ मिलेगी। अगर आपको दर्शन करने हो तो आप संडे मंडे के अलावा और यूज़ कर सकते हो डे को। ये देखो महाकाल का, ये देखो काम चल रहा है, आप देख सकते हो पूरा काम चल रहा है। हाँ, अभी पीछे सब लोग आ रहे हैं तो हम अभी आगे को बताते हैं, ठीक है। सगरिये तो देखो पानी की व्यवस्था है, आप आरओ का पानी पी सकते हो, मुझे बहुत प्यास लग रही है तो मैं यहाँ का पानी ज़रूर पीऊँगी। बिल्कुल ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा। पे बहुत अच्छी चित्रकारी की हुई है, बताते हैं पूरी जो शंकर भगवान की बारात थी ना, तो ये पूरी शंकर भगवान की बारात बताई गई है। ये देखिए आज मंदिर पूरा खाली पड़ा है, देखो ये। ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात में है, ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है जो कि श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है, और ये महाकालेश्वरी ज्योतिर्लिंग उज्जैन जहाँ हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश में, एंड ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है जो हाँ पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। या ये सब दिस इज वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पाली महाराष्ट्र, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दातिनी महाराष्ट्र, ये तमिलनाडु में है, मैं तमिलनाडु गई हुई हूँ बट मैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं गई। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तारुकम नोरा गुजरात, विश्वेश्वरम ज्योतिर्लिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये महाराष्ट्र में है ये भी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक, केदारनाथ, ये तो आप सब जानते होंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ हमारी चाहे भी आप यहाँ पर ज़रूर जाएंगे, उत्तराखंड, विघ्नेश्वर ज्योतिर्लिंग एलोरा महाराष्ट्र। हाँ, ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये महाकाल, जय महाकाल। बस अब हम पहुँचने वाले महाकाल के, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता हो। ये देखिए चल रहा है अभी, देखिए हम आपको बता दें पूरा मंदिर टूट के नया बन रहा है। ये रुद्र का फेवरेट वाला भाई, आओ भैया आओ भैया रुद्र आओ से बहुत प्यार करता है, आओ आओ सोता है तभी आओ भैया। ये काऊ है, वो आओ है, ये काऊ है। ये देखिए ये हम महाकाल के आ चुके हैं, बोलो महाकाल बाबा की जय।